सबसे पहले मैं ये सीरम लगाऊं? जब तक तुम ब्लेंडिंग करोगे हम अपना इसको शेक, ठीक है? सबसे पहले हम शेक करेंगे, जो भी सीरम आप अप्लाई कर रहे हो उससे पहले आप शेक जरूर कीजिए। 2 ड्रॉप्स मैं ले रही हूँ, ठीक है? ये प्राइमर यूज कर रही हैं और वो तमाम लोग जिनको होता है कि जी ग्लो श्लो मेरे स्किन पे मेकअप के बाद ड्राई हो जाती है और बिल्कुल एक पैची सी और पेस्टी सी लुक आती है, वो इस सीरम के साथ आपकी बहुत अच्छी बेस बनती है। तो प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी रबीका ने लगाया है गोल्डन पर्ल सीरम के साथ। यार शायस्ता, मैंने तुम्हें बताना है इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी है। थैंक यू। मैं तड़प तड़प के मैट जो ब्लशेज है, क्योंकि मेरे गाल गल्ले बन जाते हैं अगर मैं कोई शिमरी पाउडर लगाती हूँ, ब्लश लगाती हूँ। अच्छा, ये मोरिच यूज किया है इन्होंने? ये क्या किया? मोरिच यूज किया, मॉइस्चराइजर। मेरी स्किन जो है वो ऑयली भी है और ड्राई भी है, तो इसलिए मैंने ये वाला नॉर्मल वाला। एग्जैक्टली, ये सिरा को यूज कर लिया। ओके, अब बारी है कंसीलर की, मैजिक बॉम की। इसको आप थोड़ा सा हाथ हेल्प मी। ये आप इसमें 3 शेड्स हैं, 3 शेड्स हैं हाँ। और ये अब आपके ऊपर है कि आपका आपका शायद फेयरर है, आई थिंक ये कौन सा कलर है आपके ऊपर, यही जाएगा आ गया पिगमेंट आ गया। मेरा शेड भी सकती हैं आप, हाथ पे करके जो मैं यूज करती हूं तो हाथ पे करके आप दिखा भी सकती हैं। एग्जैक्टली, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, किस शेड में नंबर लिखे हुए हैं? जी 110 130, दिखाओ तुम्हारे वाले कौन से के लिखा है? 120 120, और तुम्हारा वाला कौन सा? 160 50 50 150। हां अच्छा, मेरी स्किन टोन पे कौन सा जाएगा इनमें से अगर मुझे यूज करना हो? हम लगा के खुद देखते हैं ना, शायस्ता खुद इतना मेकअप कहाँ करती है, मुझे पता होगा। मैं बहुत मुझे ऐसा लगता है कि ये या ये इस इन दोनों में से कुछ जाएगा। हाँ, मेरे लिए ये जाएगा, मेरे लिए तो ये 130। हाँ, मुझे आपका ये वाला है, ये वाला कंसीलर के लिए। हाँ, अगर मैं हाँ, कहूँ तो ये इससे मेरे 130। दिस इज फॉर मी। सब लोग चूज करो। अच्छा, ऐसे कंसीलर की मुझे इतनी नीड नहीं होती, तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही लगा दूँ जहाँ मुझे लगता है। बॉडी स्किन है तो कंसीलर की नीड नहीं होगी। हाँ, हम दुखियारियों के लिए कुछ बता दो, अपर लिप पे और अंडर आई इन्होंने कंसीलर लगाया मैजिक वॉन्ड से। ओके, ठीक, ओके। अब बारी है मेरे फेवरेट प्रोडक्ट की, जो कि फाउंडेशन, और इसका मैं जस्ट एक ड्रॉप लगाऊंगी आप सबके सामने। और देखिए, आप लोगों को प्लीज देखना है कि ये नया है, इसको थोड़ा सा यूं कर लें। ला हिला के दो तुम्हें, तुम्हारे अंदर ताकत भी नहीं होगी। नहीं होगी ताकत जो है। तो ये जो है ये इतना बहुत होगा, ये आपकी नेक तक कवर कर लेगा ये। हाँ, और ये इन्होंने शेड यूज किया है 3 3। एग्जैक्टली, ये मेरा ही शेड। मैं 7 यूज करती हूं। अच्छा, मैं 3 और मैं कंटूर के लिए ये यूज करती हूं। अच्छा, सब अपने अपने शेड्स बताओ। मैं 7। सब अपने अपने शेड्स बताओ ताकि लोगों को पता चले किसकी कॉम्प्लेक्शन कैसी है। वो ये मेरा शेड है 3, जो कि अभी रबीका लगा रही हैं। शायस्ता और रबीका 3 यूज करते हैं। और क्या करते हैं? मैं कंटूर के लिए ये यूज करती हूं। 7 7। मैं 7 यूज। तुम भी 7 यूज करती हो? मैं 6 कॉन्टोर के लिए यूज़ करती हूँ। I think वो मरियम के ऊपर भी यही शेड जाएगा। नहीं, तो वो फेवर वाला है। मरियम के लिए तो एक और अच्छा लाना पड़ेगा। लाइट नहीं, लेकिन मरियम के ऊपर भी यही शेड जाएगा। यही शेड जाएगा। ठीक, हाँ, ठीक है। मैं कॉन्टोर भी इसी से करती हूँ। इससे कॉन्टोर कैसे? अच्छा, ओके, जो डार्क नंबर है, हाँ, जो डार्क नंबर है वो मैं कॉन्टोर के लिए यूज़ करती हूँ। गुड आइडिया। सिरा कह रही थी 7 यूज़ करती है, मैं 6 यूज़ करती हूँ कॉन्टोर के। अपने आई के ऊपर भी कर लिया। हाँ, ठीक है, और पूरी बेस बना ली ताकि प्रॉपर फाउंडेशन लगे आपके स्किन पर। हाँ, और ना दो शीशा। देखिए कितनी मुश्किल हो रही है। और हाँ, एग्जैक्टली, पता नहीं चलता हमारे पास, जबकि शीशे वाले ग्लासेस हैं, कहाँ है वो टेबल, किस दिन काम आएगी? अच्छा, इसका ना टेक्सचर आप चेक करें, एक्सपोज का बहुत अच्छा है। और ये मैंने कहा इधर से उधर नहीं होती है। अगर आप 12 घंटे भी शूट करें या 12 घंटे भी आपने अंटिल अनलेस आप इसको क्लेंज नहीं करेंगे, नहीं निकलेगा। ये बहुत एब्जॉर्ब हो गया पूरा। हां, वेदर आल्सो, हां, देखो नहीं पता चल रहा। और ये आपको ड्राई नहीं करेगा, बिल्कुल बेस ड्राई नहीं करेगा। आपका शेड है बेटर देन दिस? ठीक है,
ठीक है, ये तो मजे की चीज है ना, ऐसे ट्यूटोरियल बहुत अच्छे होते हैं, ये लाइन खींची, यहाँ लाइन खींची, और वो गाने गाने आते हैं और वो शप शप करके हमसे पूछो कितनी देर लगती है। सही है जी। ओके, मैं यहाँ से कौन करेंगे स्टार्ट करते हैं, देख लें आप सब। हाँ, राज हम सब गोलमोल वालों का ये राज है कि हाँ कि ये इस तरह लिफ्टेड फेस आता है, बड़ा आजकल नई टेक्निक आई है, देखो बच्ची को सब पता है और हम सबको सिखा रही है ये भाई कि आजकल कंटूरिंग का और ब्लश लगाने का वो डिपेंड करता है कि आपका फेस कट क्या है। तो है ना, वो है ना, गोल गोल मोल नहीं इतना प्यारा है गोल मोल, तो मेरा भी तो गोल है। सही है, उम्र का पता ही नहीं चलता, ये नेमत है, नेमत है ये, सीरियसली। मुझे मेरे मियां ने सारी जिंदगी 15 साल तक गोलमू गोलमू गोल रोटी रिकॉर्ड लगाता रहा, मैंने कहा तुम मुझसे अब 15 साल बड़े लगते हो, सोच लो और क्या। तो ये है नेमत, जॉ लाइन भी मैंने एनहांस की, लड़के को बड़ा होता है हमारी जॉ लाइन नजर आनी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा चीजें बड़े शौक होते हैं लड़कियों का, जॉ लाइन सब भाग भाग के हेल्प कर रहे हैं। अब मैं कॉम्पैक्ट की, कौन सा वाला कलर? अच्छा जी, कॉम्पैक्ट के भी हमारे पैर। हाँ, अब ये अलग अलग लोग। अच्छा ये ब्लश अगेन, ओ सॉरी सॉरी, परेशान नहीं हूँ, लोगों को नजर नहीं आया मैंने क्या गिराया। हाँ चलो, ये है क्या? ये लिपस्टिक है, मैट फॉर यू। अच्छी पैकिंग, आप एक लिपस्टिक दें तो पता तो चले। अच्छा, कि आपने गिफ्ट किया है। अब आप क्योंकि ये एवरीडे मेकअप लुक है तो मुझे ज्यादा डार्क नहीं करना। ओके, सो मैं बिल्कुल इस पर टैप करूंगी, इस पर टैप करूंगी, दोनों शेड्स हैं और इसको मैं अप्लाई करूंगी। अच्छा, कहानी बहुत ही नेचुरल लगता है। आप कहानी वॉल्यूम 2 से ये एप्लीकेशन कर रहे हैं, दो कॉर्नर के शेड्स लिए हैं हम, दिखाते हैं ना तुम क्या क्या शेड ले रही हो। तुमने सबसे पहले ये और ये शेड मिक्स करके लगाया है। चलो तुम ऐसे यहीं से उठाती जाओ ना, ताकि लोगों को भी नजर आए। ब्राउन और ब्लैक, अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा हूं मुझे। अच्छा, तुम पूरी आईलिड का शेप इससे दे रही हो पहले? हां, सॉफ्ट बना रही है ना। वी एक्चुअली गर्ल्स मॉइस्चराइजिंग राइट आफ्टर द शो, देयर इज अ नेक्स्ट शो, तो पहले से अपनी बेस प्रिपेयर कर रही हूं। इतने घंटे आ रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है, एकदम ग्लो आ गई स्किन। अच्छा, मुझे तो लगता है आई शेडो पे आप अगर थोड़ा सा कोई मॉइस्चराइजर के साथ यूज़ करते हैं ना, तो उसका बहुत अच्छा, इसको हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट। अच्छी होती है, हाँ एप्लीकेशन अच्छी होती है। आपने ये लगाया है, आपने लोग अक्सर बोलते हैं कि स्टेज, हाँ स्टे भी करता है, वो बहुत पाउडरी पाउडरी वाला लुक नहीं आता। इसके ऊपर भी आप डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, इसके साथ मिलाकर भी ये लगा सकते हैं। उंगली उंगली एप्लीकेशन, यस यस, उंगली एप्लीकेशन कर चुकी है पूरी एप्लीकेशन, ये उंगली एप्लीकेशन। वाओ, उंगली बेस्ट थिंग टू अप्लाई मेकअप, नाइस। सो उंगली एप्लीकेशन क्या चाहिए? ये वाला शेड अब मैं अप्लाई कर रही हूं गोल्डन। ओके, यहां पर नाइस। तुम छोटी सी थी जब से कुछ मेकअप कर रही हो? जी, बचपन 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 में मेकअप नहीं होता था। हो गया। नहीं, मतलब पहले जब मैंने नया नया सीखा था तो मैंने खुद ही किया। समटाइम्स ऐसा था मम्मा मेकअप कर रही होती है, सारी लड़कियों को देख लिया होगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैंने शुरू से सीखा है। शॉप पे खड़े हैं, कैंडी शॉप, हर चीज ट्राई कर रहे हैं, और वो ये इतने तरीके से, मतलब मैं तो कभी सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।